अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम खबर पर जिसने पूरे खित्ते में हलचल मचा दी है। ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान से जदीद JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका हथियारों की खरीदारी के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी है। ये हथियारे दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाले हथियारों में शुमार होते हैं और इससे न सिर्फ ईरान की फजाई ताकत में इजाफा होगा बल्कि खित्ते में दफाई तवाजन भी बदल सकता है। तो आइए जानते हैं हम इस अहम दफाई मुआहदे के पस पर्दा हकायक और इसके खित्ते पर पड़ने वाले मुमकिन असरात के बारे में। सबसे पहले अगर इस न्यूज के सोर्स की बात करें तो दी न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे से पाकिस्तान की दफाई बरामदात में इजाफा होगा और ईरान के साथ दफाई तालुकात को मजीद मजबूती मिलेगी। आगे सेकंड सोर्स की बात करें तो वो है एशिया टाइम्स। इसमें भी जिक्र किया गया है की ये मुआहदा ईरान की जानिब से बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बावजूद अपनी फौजी ताकत को बढ़ाने की एक अहम कोशिश है। आगे अगर बात करें ईरान की दिलचस्पी की वजूहात की तो सबसे पहले आता है दफाई जरूरियात। ईरान को मशरिक़ वुस्ता में इसराइल और सऊदी अरब के साथ जारी कशीदगी के पेश नजर अपनी फजाई कुव्वत को बढ़ाने की जरूरत है। JF-17 ब्लॉक 3 जदीद टेक्नोलॉजी और कम कीमत के बाहिस ईरान की जरूरतों को पूरा कर सकता है। आगे दूसरे नंबर पर आता है पाबंदियों से बचाओ। मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरान के लिए मगरबी और रूसी लड़ाका हथियारे खरीदना मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान के JF-17 लड़ाका हथियारे ईरान के लिए एक मुनासिब और सियासी तौर पर कम मुतनाजा मुतबादल हो सकता है। आगे तीसरे नंबर पर इलाकाई असरात की बात करें तो अगर ईरान इन हथियारों को हासिल कर लेता है तो ये न सिर्फ ईरान को फजाई ताकत में इजाफा करेगा बल्कि खित्ते में ताकत का तवाजन भी तब्दील हो सकता है जिससे सऊदी अरब और इसराइल जैसे ममालिक तश्वीश में मुबतला हो सकते हैं। आगे अगर हम इस एग्रीमेंट को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका खरीदने की दरख्वास्त की है जो कि पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका पेशकश है। ये जदीद हथियारे कई खास खसूसियात रखते हैं जैसा कि AESA रेडार यानी कि जदीद रेडार सिस्टम, सेकंड नंबर पर BVR मिसाइल यानी कि बेहद फासले पर मार करने की सलाहियत, आगे थर्ड नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और फोर्थ नंबर पर आता है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम। इन तमाम कैपेबिलिटी से ये फाइटर जेट लैस है। अगर हम यहाँ पर जियो पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईरान ने हमेशा मगरबी पाबंदियों की वजह से अपनी दफाई सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए मुतबादल ज़राए की तलाश की है। JF-17 का हसूल ईरान को खित्ते में मौजूदा चैलेंजेस का मौसर अंदाज में सामना करने में मदद देगा और इसके बैनुल अक़वामी दफाई तालुकात को मजीद मजबूत करेगा। इन शॉर्ट ये सौदा दोनों ममालिक के दफाई तालुकात में अहम संगे मील साबित हो सकता है और इससे न सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दफाई तआवुन को फरोग मिलेगा बल्कि खित्ते में ताकत के तवाजन पर भी असर पड़ेगा। अगर आप इस एग्रीमेंट के हवाले से मजीद मालूमात चाहते हैं दी न्यूज इंटरनेशनल और एशिया टाइम जैसे जराए से हासिल कर सकते हैं। इस एग्रीमेंट के मुतल्लिक ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपके लिए काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।